सो हेलो एवरीवन, ये है जयप्रकाश वेंचर्स का शेयर। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पर 23.28 रुपये चल रहा है। 5.56% तक के अब तक यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल गए हैं। आगे वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में शेयर में हमें 33.18% तक के जो है पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और मैक्स में ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में शेयर से हमें जो है 24% तक के जो है नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आगे यहाँ पर इस शेयर को लेकर कुछ मेजर न्यूज़ आ रही है तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपये के पावर शेयर को ख़रीदने की लूट और LIC की भी यहाँ पर जो है इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर को ख़रीदने के लिए यहाँ पर जो है लूट मच गई है। और यहाँ पर सप्ताह के तीसरे दिन जो है 20 रुपये में यहाँ पर 15% से ज़्यादा में यहाँ पर क्लोजिंग इस शेयर ने दिया था। और 22 रुपये यहाँ पर 79 पैसे के स्तर पर जो है ये यहाँ पर पहुँच गया था। अब बात करते हैं इस शेयर को लेकर मेजर न्यूज़ की, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा जो है गड़बड़ाता हुआ दिखता है, जिसमें यहाँ पर प्रमोटर के पास सिर्फ 24% की हिस्सेदारी है जबकि पब्लिक के पास 76% की है। पर लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर में यहाँ पर जो है हमारे बैंक्स आ जाते हैं, जैसे ICICI बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया और कैनरा बैंक जो है शामिल है। और LIC के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 लाख शेयर है, यानी कि 1.38% से भी यहाँ पर ज़्यादा इसमें होल्डिंग। और बाकी यहाँ पर इस शेयर के नतीजे यहाँ पर कैसे आए हैं, तो जून में यहाँ पर जो नतीजे हैं वो 81.86% से बढ़कर 348.54 करोड़ रुपये हो गया है। और एक साल पहले जो है कंपनी का प्रॉफिट 191.65 करोड़ रुपये था। और कंपनी की सेल्स की बात करें तो वो 2.75% से बढ़कर 1754.70 रुपये यहाँ पर था। और एक साल पहले जो कंपनी की जो सेल्स है वो 1707.82 रुपये थी, यानी कि इस साल यहाँ पर जो है कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है और यहाँ पर जो है कंपनी के प्रॉफिट्स भी यहाँ पर बढ़े हैं। अब यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो शेयर है वो यहाँ पर इसने यहाँ डाउनसाइड का मूवमेंट यहाँ पर बना दिया, फिर अपसाइड, फिर डाउनसाइड, फिर यहाँ पर जो शेयर है जैसे ही खबर आती है कि LIC ने भी यहाँ पर इसमें होल्डिंग बनाकर रखी है तो यहाँ पर जो शेयर है इसमें अप ट्रेंड का मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 9 लाख की इस शेयर में LIC की होल्डिंग है। अभी तो शेयर यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 20 रुपये के प्राइस में था कहाँ, अब यहाँ पर आज 23 रुपये के प्राइस में जो है पहुँच गया है। तो वैसे तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करना यहाँ पर सही दिख रहा है। बाकी जो शेयर है उसने यहाँ पर आज अपना हाई बना रखा है। तो यहाँ पर एक और भी यहाँ फरवरी में जो शेयर है इसने यहाँ पर 23 रुपये का टारगेट हिट किया था और फिर यहाँ पर नीचे आ गया था। तो हो सकता है गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये गिरावट थोड़े टाइम की ही होगी। होल्ड करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस शेयर को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं।